हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस द चार्ज एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज विद द हेल्प ऑफ दीज टू एक्टिविटीज, दैट इज 13.1 एंड 13.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ज फ्रिक्शन से कैसे प्रोड्यूस होता है। देखें, जब भी एक न्यूट्रल बॉडी को किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी से आप रब करेंगे लाइक इन दिस वे, सो उससे क्या होगा कि बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगी। आपने अक्सर जो है कॉमिंग करते हुए, जब आप कॉमिंग करते हैं ऐसे, तो उसके बाद पीसेस ऑफ पेपर के करीब आप उसको कंघी को लेकर आएंगे तो वो उसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि उस कंघी के ऊपर चार्ज आ चुका था। तो चार्ज क्यों आया था? क्योंकि वो फ्रिक्शन जो एयर के अंदर, सॉरी ये जो हेयर्स है इनके अंदर कॉमिंग करते रहे हम, उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन से बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। अब जब उसको हम पेजेस के करीब लेकर आते हैं, छोटे पीसेस ऑफ पेपर के, तो वो क्या करता है, वो फिर अट्रैक्शन करता है, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि आपकी जो कंघी है उसके ऊपर चार्ज आ चुका है। तो होता क्या है बेसिकली, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो आपको पहले आपको बता दूं कि जब आप रब करते हैं, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट जब एटम्स को मिलती है तो उसके अंदर जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और उस एटम से निकल जाते हैं। जब वो एटम से निकल जाएंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह दूसरी कोई और बॉडी, यानी दो बॉडीज को जब आप रब कर रहे हैं, हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर बता दूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट एक एनर्जी है, तो जब एनर्जी मिलेगी एटम्स के इलेक्ट्रॉन को तो वो एटम को छोड़ के बाहर जाएंगे और इस तरह से एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज को। सबसे पहले हमारे पास 13.1 ये एक एक्टिविटी है। इसके अंदर हमने ये एक प्लास्टिक रॉड ली है। प्लास्टिक रॉड को हम सिल्क की क्लॉथ से रब करेंगे। इस प्लास्टिक रॉड को हमने इस थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है। जब हम इसको ऐसे रब करेंगे तो रब करने से इसकी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब आपने एक और प्लास्टिक रॉड लेनी है और उसको भी इसी मटेरियल यानी इस सिल्क से रब करना है। जब आप उसको इस सिल्क से रब करेंगे, अब ये दोनों एक जैसे मटेरियल हैं और इसको हमने एक ही तरह की जो मटेरियल है उससे रब किया है, सिल्क से। अब जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो चार्ज था वही चार्ज इसके ऊपर आया और इन दोनों ने रिपेल किया। इससे आपने क्या सीखा कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपको कैसे पता चला कि एक जैसे चार्जेस हैं? इनके मटेरियल ये एक जैसे हैं, जिससे रब किया वो मटेरियल एक जैसा है, तो चार्ज भी दोनों के ऊपर एक जैसा ही आएगा। ये भी आपको बता दूं कि चार्ज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कुछ मटेरियल नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। कुछ आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कुछ आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। इस तरह से कुछ के ऊपर पॉजिटिव और कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब ये दोनों सिमिलर चार्ज वाली ये रॉड्स को करीब लाया गया तो इन्होंने क्या किया, रिपल्शन शो की, ऐसे दूर जाएंगे एक दूसरे से, दूर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं यानी लाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं सेकंड एक्टिविटी की, जो कि 13.2 है, अब इसके अंदर हमने एक और चार्ज की प्रॉपर्टी सीखी। वो क्या प्रॉपर्टी है, वो ये। अब हमने क्या किया कि दोनों एक जैसी रॉड लेने की बजाय एक ग्लास रॉड ली और उसको रब किया हमने सिल्क के साथ, और फिर एक प्लास्टिक रॉड ली उसको रब किया हमने फर के साथ। ये दो अलग अलग मटेरियल हैं जिनको अलग अलग मटेरियल के साथ रब किया गया है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब इनके ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो चार्ज भी डिफरेंट होगा। अब आप क्या करेंगे, आपने जब इन दोनों को एक दूसरे से करीब लाया तो ये बजाय रिपल्शन के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन शो कर रही हैं। अट्रैक्शन शो की, इसका मतलब यह कि इसके ऊपर अगर लेट्स सपोज अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो फिर इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इस तरह हमने क्या सीखा यहां से कि जो एक जैसे चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होंगे वो जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके बोर्ड में क्वेश्चन एक इस तरह से आता है कि आप ये चीज को प्रूव करें कि जो फ्रिक्शन है वो दो तरह का चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आप 13.2 एक्टिविटी की दे सकते हैं कि हमारे पास ये दो रॉड है, एक ग्लास की बनी हुई है और एक प्लास्टिक की बनी हुई रॉड है। इन दोनों को आपने डिफरेंट मटेरियल के साथ रब किया तो इनके ऊपर डिफरेंट चार्ज आएगा। जैसे इसको हमने सिल्क से रब किया और इसको हमने फर से रब किया,
जब इन दोनों को हमने डिफरेंट मटेरियल से रब किया और ये डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हैं, तो इनके ऊपर चार्ज भी डिफरेंट आया। जब इन दोनों को एक दूसरे से करीब लाया गया तो करीब लाने से क्या हुआ, इन्होंने अट्रैक्शन शो की, जो इस चीज को इंडिकेट करती है कि ये देखिए हमने फ्रिक्शन से इसमें भी चार्ज प्रोड्यूस किया था, फ्रिक्शन से ही इसमें भी चार्ज प्रोड्यूस किया था, इन दोनों ने अट्रैक्ट किया, मतलब ये दोनों अपोजिटली चार्ज है। तो फ्रिक्शन दो तरह का चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है, पॉजिटिव भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है, नेगेटिव भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये एक्टिविटी थी जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन दो तरह का चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है। अब इनसे क्या कंक्लूजन निकले, रिजल्ट क्या निकले, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे अहम बात जो फिफ्थ पॉइंट पे है, रिपल्शन इज अ शो टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पेपर में क्वेश्चन भी आया था, दोबारा भी आ सकता है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। ये तो सिंपल पॉइंट है लेकिन इसके ऊपर आपने खास फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन से पहली करैक्टरिस्टिक वो ये है, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर वो किसी को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल बॉडी है। तो फिर से चार्ज क्या है, ये चार्ज की डेफिनेशन भी बनती है, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इज अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडीज। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, वो क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय द टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, दो तरह का चार्ज प्रोड्यूस करती है। अभी अभी हमने यहां सीखा, ये देखें, ये इस फ्रिक्शन से हमने चार्ज प्रोड्यूस किया इस बॉडी के ऊपर, और फ्रिक्शन से ही चार्ज प्रोड्यूस किया इस बॉडी के ऊपर। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब इससे क्या बात साबित होती है, इससे ये बात साबित होती है कि भाई फ्रिक्शन दो तरह का चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो थर्ड जो पॉइंट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जो एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे चार्जेस, यानी अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, पीछे पीछे करेंगे ऐसे ऐसे। तो जो लाइक चार्जेस होंगे, चाहे वो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, रिपेल करेंगे, जो लाइक चार्जेस चाहे नेगेटिव और नेगेटिव हो, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, वो है अनलाइक चार्जेस का। अनलाइक चार्जेस मीन अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप मैग्नेट का, आपको पता है ना मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। जब आप नॉर्थ को साउथ के करीब लेकर आते हैं तो वो अच्छे से अट्रैक्शन करता है, लेकिन जब आप साउथ को साउथ से करीब लेके आते हैं तो पीछे पीछे हटेगा, अट्रैक्शन नहीं करेगा बल्कि रिपेल्शन करेगा। इसी तरह जब आप नॉर्थ को नॉर्थ से करीब लेकर आते हैं तब भी वो अट्रैक्शन शो नहीं करेगा बल्कि रिपेल्शन शो करेगा। तो इसी तरह से जो चार्ज है वो भी ऐसे ही बिहेव करता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगी, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो भी अट्रैक्शन होगी। अब सबसे लास्ट और अहम पॉइंट वो क्या है, रिपल्शन इज अ शो टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन द बॉडी। हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी को रिपेल करती है तो इसका मतलब 100% उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, क्या अट्रैक्शन से भी ऐसा हो सकता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं हो सकता। अब उसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूं, ये बात माइंड में रखें कि रिपल्शन इज अ शो टेस्ट ऑफ चार्ज इन द बॉडी। हम कैसे कह सकते हैं कि एक बॉडी, अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है दोनों सूरतों के अंदर, चाहे उस पर चार्ज हो चाहे उस पर चार्ज ना हो। अगर चार्ज ना हो, जैसे ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी इस पर चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके पॉजिटिव, इसके एक एंड पर अपोजिट चार्ज आ जाता है, दूसरे एंड पर सेम चार्ज आ जाता है, इस वजह से ये भी अट्रैक्ट हो जाती है। तो अट्रैक्शन से तो हमें पता ना चल सका कि ये चार्ज बॉडी है या ये न्यूट्रल बॉडी है। फर्ज करें अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके करीब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाई तो भी अट्रैक्शन करेगी, ये न्यूट्रल बॉडी है इसके करीब चार्ज बॉडी लाई तो भी अट्रैक्शन करेगी। तो फिर अट्रैक्शन तो ये बात जस्टिफाई नहीं कर सकती कि भैया ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है या चार्ज बॉडी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक बॉडी के ऊपर क्लियरली हम कह सकें कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो वो है रिपल्शन। अगर बॉडी रिपल्शन करेगी, दूसरी बॉडी को रिपेल करेगी, तो इट इज 100% श्योर कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है।